हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग। आगे क्या हो रहा है एनिमल्स के साथ? अब कुछ भी नहीं हो रहा है एनिमल्स क्रुएल्टी पे, कोई भी नहीं कदम उठाया जा रहा। अब हम कदम उठाना पड़ेगा एनिमल लवर्स को। अब हमने सोच रखा जिस एरिया में होता है वहाँ पर सारे ग्रुप्स के लोग और जितने भी एनिमल लवर हैं वहाँ जाके उसकी अच्छी तरह रेल बना के आए, कुछ भी करना पड़े। अब तो जैसे वो एनिमल्स के संग करते हैं ना, थोड़ा सा उनको भी बताना पड़ेगा कि उनको कितना पेन होता है। अब जाके ना हर गली में, हर मोहल्ले में जहाँ ऐसे केस हो रहे हैं वहाँ जाना पड़ेगा, सारे लवर को एकता दिखानी पड़ेगी। अब वक्त आ गया हम एनिमल लवर की एकता का। अब हम इसी बात में डिस्कस कर रहे हैं कि अब कहीं भी कोई केस होता है तो वहाँ जाके घाव धावा बोलना है और उनके खिलाफ पुलिस को बुलाना है। पुलिस नहीं करती तो फिर ना, ताकि उनको भी इनका पेन फील हो, क्योंकि उनको इनका पेन फील नहीं होता। महसूस करें, ये भी दुनिया में आए हैं, इनका भी ये भी जीव है, इनके अंदर भी प्राण है, इनको भी पेन होता है। पर लोगों को ये बात ना समझ नहीं आती। अब लोगों को समझाने की बारी आ गई, कुछ नहीं हो रहा। हमारा लोना लुंज पुंजा ढीला पीला है, कोई भी नहीं इनके लिए उठ रहा है। अब हम लोगों को ही उठना पड़ेगा और ऐसी संस्थाओं को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा जो सच में एनिमल्स के लिए काम करती है, ना कि शेल्टर के नाम पे पैसा कमाने का बिजनेस करती हैं। और ऐसी चीज़ों को हमें जोड़ना पड़ेगा, अच्छी संस्थाओं को जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके ऐसा होगा। मैंने अपने एरिया में, आपको मेरा एक ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने गधे और घोड़ों को मजदूरी कराने पे, उन पे माल लाद के ले, जो घोड़े और गधों पे माल लाद के ले जा रहे थे उनके खिलाफ मैंने एक्शन लिया था। मैंने PF में कंप्लेंट करी थी और उसको बंद कराया था। आज मेरे एरिया में दो महीने तो हो ही गए होंगे, 1.5-2 महीने, अब सब ने मना कर दिया और सब मेरे से कहते हैं मैडम देखिए आप हम ना टेम्पो से उठवा रहे हैं, अब हम किसी भी इसको नहीं लगाएंगे। मैंने कहा ये आप बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो, आप पहले से खुद ही ये बात करना चाहिए। जब मैंने कंप्लेंट करी, जब मैंने बोला अब यहाँ पर कोई गधा घोड़ा आया था मैं गधे घोड़े को रेस्क्यू करवा दूंगी, फिर आपको पता चलेगा आपके पैसे ही बर्बाद जाएंगे उसका भी। तब इन लोगों को लगा कि हाय अगर हम पैसे दे देंगे और उनको भी रेस्क्यू करा दिया तो हमारा नुकसान होगा, तब जाके इन लोगों ने उनको लाना बंद करा है। अब ऐसा ही करना पड़ेगा इनके लिए ना, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, कोई ऊपर से नहीं आएगा। भगवान ने शायद, जब इनको भगवान के रूप में नीचे भेजा था तो भगवान ने शायद इनको बचाने के लिए भी हम जैसे कुछ इंसानों को भेजा होगा। तो प्लीज़ आइए आवाज़ उठाएं। वो रिनी सामने बैठी हुई है, बीच रोड पर बैठ जाती है, यानी कि किनारे पर होकर बैठ जाऊँ, अगर किसी का गलती से पैर लग गया तो फिर ये काट खाएगी। अभी मैं आपको एक केस के बारे में बताना चाह रही हूँ, जो रेनू मैम का एक केस था बहुत पुराना, और मैंने आपको डिस्कस भी किया था जिसमें डॉग को कुछ लोग छेड़ रहे थे और नशे में उसको मारते थे, पेट्रोल लगा के आग लगा दी थी। और 1 साल हो गया, पुलिस कंप्लेंट भी हुई, गिरफ्तार करके उन्हें छोड़ भी दिया गया, कोई एक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर हम करते हैं ना तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, FIR भी हो जाती है, उस निर्भट्टा सन्नाटा वही होता है, 0/सन्नाटा होता है शायद, वही होता है, कुछ भी एक्शन नहीं लेती। वो बच्चे की मैं आपको एक पिक डाल के दिखाऊंगी, आप इतनी दर्दनाक फ़ोटो आप देख भी नहीं सकते हो। और ये देखो कैसे खाना खा रही है, जो नीचे पड़ा हुआ खाना खा रही है, गर्मी आए खाना नहीं खा रही। इसकी तबीयत पहले से थोड़ी सी ठीक है, वरना इसकी तबीयत ख़राब थी। चलिए मैं ऊपर चलती हूँ, फिर मैं आपको फ़ोटो डाल के दिखाती हूँ कि कैसी बेचारे को मौत मिली थी। एक ग्रुप मेंबर ने ना एक डॉग को इलाज कराने के लिए पहले लेकर गई थी, तो उसमें सबसे पहले उस बच्चे में ना सिम्पटम दिखाई दिए थे और वो पारो के से लग रहे हैं। और मैं उसके इलाज के लिए बात कर रही हैं, उनका धन्यवाद जो इन डॉग्स के लिए वो इतना कर रही हैं। देखिए इन डॉग की पिक और इनको क्या हेल्प मिलती है, मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले इस बच्चे को लेके गए थे सर हम, और इसी को यानी कि मेडिसिन वगैरह रेफर करी थी इन डॉक्टर्स ने। देखो इसके मुंह से ऐसे झाग जाते रहते हैं और ऐसे ही मुंह को करता रहता है, और सारे बच्चों में ना इन्हों में सब में ये चीज़ें फैल चुकी है, सारे बच्चे ऐसे करते रहते हैं। ये भी ऐसी सबकी आंखों से पानी जाता है और सब में ये चीज़ें। प्लीज़ किसी को भी ये डॉग दिखे तो हमें इसे ढूंढने में मदद करें और मैसेज करें, इसको देखिए और हमारे को हेल्प करे ताकि ये डॉग मिल जाए प्लीज। क्या क्या क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? आपको पता है इसको इतनी बेचैनी क्यों हो रही है?
क्यों हो रही है ऊपर चढ़ने की बेतेजी, क्यों कर रही है ऐसी? इसको चाहिए ये चू स्टिक, जो कि मैं इसको दूंगी नहीं, ये मैं नीचे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या चाहिए? हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग। मिलते हैं थोड़ी देर बाद इनको शांत करके। हाँ, आपको भी चाहिए, उधर आ जाओ, चलो उधर आ जाओ, प्यार पे चलो, ऊपर चलो, बिस्तर पे चलो, ऊपर चलो। चलो, इसने तो सिगरेट पी रही है। खेलो 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 खेलो, चलो खेलो 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 खेलो। ये देखे, अभी देखते हैं। क्या हो गया, खा क्यों नहीं रही चुस्ते? खा ले। इधर कैसे बैठी है, बैठते देखो। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? आज मिशकू का भैया गया घूमी घूमी करने, तो आज मिशकू को खाना देगी मम्मी। मिशकू इतना खुश होके नहीं खा रही खाना, क्योंकि इसको भैया के हाथ का खाना पता है पसंद है। वैसे खाना तो किसी के हाथ का खा लेती है, भैया खाने के मामले में ये किसी से बहम नहीं करती है, ये खा लेता है मेरा बच्चा सबके हाथ का खाना। खा लो, तुम खा कर लो चिया, खा लो बच्चे। चलो मिश्का खाना खाती है, मैं तब से आप थोड़ी देर बाद बात कर। वो देखो डोडो बैठा हुआ है, डोडो के लिए पनीर लेके आई हूँ, डोडो पनीर खाएगा, ले डोडो पनीर खा ले, चलो चलो खाना खा ले, बैठो बैठो बैठो, आ रही हूँ खाना लेके। आ खा ले, आ खा ले, खा ले, चलो खाओ खाओ, आओ चलो आ जाओ, चलो चलो खा ले, खा ले, आओ चलो। ले, 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 क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, दिख ही नहीं रहा बेटा तेरा तो जख्म। सोन स्वीटी के ना जख्म में छेद हो गया फिर दोबारा, और मेरे को दे, आजा आजा खा लो, चलो खाओ खाओ, खा ले खा ले, खा ले, चल मैं जा रही, खा ले, ले खा ले, खाओ 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 खाओ, खेलो खाओ, खा ले, मैं जा रही हूँ, चलो मैं जा रही हूँ, आप खा लेना ठीक है। सोनी खा रही आराम से खाना, और मैं देख रही हूँ खाना आराम से खा रही है। इन्होंने तो खाना नहीं खाना बेटा, ये बच्चे मिसिंग है। अगर आपको कहीं भी दिखे, किसी को भी दिखे, तो प्लीज़ के बारे में बताएं। ये ग्रुप में रिपोर्टर ने डाला है इन बच्चों के बारे में, दोनों बच्चे मिसिंग है। इतना आज मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे उसको ना हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, उसको साइनस की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने जाँच करके बताया उसकी ना नाक की हड्डी टेढ़ी होगी और उसकी सर्जरी होगी, इस वजह से आज मेरा पूरा दिन हॉस्पिटल में गुजरा, मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई, इसके लिए मैं आप सकती हूँ।